दोस्तों आइए आज हम सीखते हैं कोई भी टीवी में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको तो हम हम लोग लोग ठीक सीखते हैं करें पहले। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले ये सर्किट, इसका पीछे का जो ढक्कन है इसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सर्किट को अच्छा एक ब्रश से साफ करेंगे क्योंकि कभी कभी शॉर्ट हो जाने पर भी टीवी ख़राब हो जाते हैं। तो अभी देखिए मैं साफ़ कर रहा हूँ और धूल मिट्टी के कारण भी यहाँ पे धूल मिट्टी जम जाते हैं तो इसीलिए भी सर्किट में शॉर्ट हो जाता है। ये सर्किट में देखिए, यहाँ से कोई से कहीं जलाई छूटा तो नहीं है, सोल्डरिंग छूट गया छूटा तो नहीं है या खुल तो नहीं गया है, वो हम लोगों को चेक करना है। तो यहाँ हर जगह हम लोग एक एक साइड से हम लोग बारीकी से चेक करेंगे। अगर ये सब ठीक है, सब सोल्डरिंग सब ठीक है, तो हम लोग इस साइड में जाएंगे तो इसे से एक एक करके देखेंगे कहीं से ये कैपेसिटर जो है ये फुला हुआ तो नहीं है, और यहाँ पे कोई ट्रांजिस्टर या डायोड जला हुआ तो नहीं है, वो लोग वो सब देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी जला हुआ नहीं है, ये फुला हुआ भी नहीं है, ये कैपेसिटर सब इस साइड से हम लोग टेस्ट करके देख के आ रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी जला तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं इस साइड से। तो देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जो वर्टिकल आईसी है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये वाला आईसी है, जो वर्टिकल आईसी है, ये देखिए जल गया है, जल के ये बाहर निकल गया है। तो शायद इसको चेंज करने से ये ठीक हो सकता है, प्रॉब्लम तो यहीं से हो सकता है हमको लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग पहले थोड़ा सा इसको साफ़ करेंगे, और साफ़ करने के बाद ये आईसी को खोलेंगे। देखिए दोस्तों, मैं वर्टिकल आईसी को खोल रहा हूँ डिसोल्डर टन से। इसका पहले सोल्डरिंग तो हटाना पड़ेगा, जितना भी सोल्डरिंग है इसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको आईसी खुल जाएगा। तो एक एक करके मैं डिसोल्डरिंग वायर से इसको खोल रहा हूँ। ये देखिए मैं निकाल लिया हूँ ये सर्किट से, यहाँ से जो आईसी था उसको मैं निकाल लिया हूँ। तो अभी इसको थोड़ा सा साफ़ करके फिर से नया आईसी हम इसमें डाल देंगे, लगा देंगे। तो मैं ये साफ़ करने के बाद नया आईसी देखिए, पेस्ट जो है हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, जल्दी नहीं जलने के लिए आईसी मैं लगाया हूँ। दोस्तों ये देखिए मैं इसको आईसी को रिप्लेस कर रहा हूँ, और रिप्लेस करने के साथ साथ मेरा आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो ताकि आप लोगों के पास मेरा ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँच सके, कि नया जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा आप लोग देख सकते हैं। तो मैं रिपेयरिंग का ये टीवी के साथ साथ डीजे बॉक्स और लैपटॉप डेस्कटॉप मदरबोर्ड होम थिएटर सबका वीडियो मैं बनाता हूँ, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेगा। तो दोस्तों हम लोग का ये सर्किट में वर्टिकल आईसी लग चुका है और हम लोग का ये सर्किट अभी बन गया है।